जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंची। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पर आपके लिए जो पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य सभी लोग जुड़ जाएं। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। और आज का अपना यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली। तो कहां से कहां तक चली है आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, चार विकल्प भी हैं आपके सामने। और सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन है कौन सी, गतिमान एक्सप्रेस, सबसे पहले कब चली थी, 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली है बताना है। तो आपका राइट आंसर है हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, यह आपका राइट आंसर होगा। 4 अप्रैल को यह चली थी, सबसे तेज गति से चलने वाली यह ट्रेन है। और अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर दो है, चार विकल्प भी दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो राजधानी है वह आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका सही आंसर है डी, यानी कि संथाल। संथाल आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, कौन सी वह जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। थारू आपका यहां पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही, बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। देखिए, थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू हैं। अगला क्वेश्चन है, जल सरोवर पक्षी अभ्यारण किस राज्य में है, सॉरी जल नहीं, यहाँ पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण बताना है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर चार है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि गुजरात। गुजरात आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित नल सरोवर बर्ड सेंचुरी भारत की सबसे बड़ी वाटर बर्ड सेंचुरी में से एक है। दोस्तों, अगर आप भी MPPSC, MP जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस, MP व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। प्ले स्टोर से भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायदे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद आपके लिए इसको लॉगिन करना है। आपके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप यहां पर चयन कर सकते हैं कि किस विषय की आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए यहां पर देखिए क्या है, फ्री लाइव क्लास है, फ्री डेमो क्लास है। जी हां, यहां पर आपके लिए फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लास आपके लिए उपलब्ध है। और आपका जो भी यहां पर डाउट होगा उसका यहां पर डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और यहां पर देखिए फ्री लाइव टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी है। और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और आप फ्री लाइव टेस्ट भी है यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं फ्री में, वो भी यहाँ पर। सबसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके टॉप एजुकेटर के माध्यम से, सर इन सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव चैट में भी, लाइव के माध्यम से भी, जब लाइव क्लास हो रही है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से क्वेश्चन कि इसमें हमें डाउट है, और टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा
यहाँ पर पीडीएफ, वो फ्री पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब से आपके लिए यहाँ पर फिर आगे चल के आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी आप टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका आपके लिए यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड बताया जाता है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आए हैं आपके टेस्ट में और इतने नंबर हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि, और यहाँ पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से पेपर का एनालिसिस आपके लिए बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि MPPSC, MPSI, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो भी व्यापम से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर। तो आज ही आप जो ऐप है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास और प्लस क्लास, इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो, और प्लस क्लास यानी कि जो पेड क्लास है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर किया जाता है फ्री क्लास में, और आपके लिए लिमिटेड यहाँ पर टेस्ट हैं, लिमिटेड आपके लिए पीडीएफ नोट्स हैं, और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन है, किसमें, फ्री क्लास में। लेकिन आपके लिए जो प्लस क्लास है इसमें आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए, और अनलिमिटेड यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हैं और अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए, और ऑल डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं वो भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से। तो यह अंतर आपका है फ्री क्लास में और प्लस क्लास में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, तो कहां पर है यह बताना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या अरुणाचल प्रदेश, या असम, या मेघालय। यहाँ पर असम है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर है आपके लिए बताना है। राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान और जो 96 वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है यह निकलती है कहां से निकलती है यह आपके लिए बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका राइट आंसर है क्या है, हरि के बांध से, यह आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी, यहां पर राइट आंसर है। देखिए राजस्थान नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरि के बांध से निकलती जो है निकाली गई है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है, और पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है, और वहां इसे राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, यह बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, 4 विकल्प दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 16.50%। जी हाँ विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के ब्यौरे के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19.98 करोड़ हो गई है, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना में 16.62 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, तो क्या कारण था, जन्मदर में वृद्धि, तीव्र वृद्धि, या अवैध आप्रवास, या मृत्यु दर में राष्ट्रीय, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि जन्म, सॉरी मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, यह आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है, बढ़ती हुई चिकित्सीय सुविधा के कारण मृत्यु दर में काफी कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था,
तो अब यहाँ पर देखिए आपसे 1901 की जनगणना में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सन 1901 की जनगणना में जो है भारत का लिंग अनुपात बताना है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 972 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मतलब 2011 की जो अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, अर्थात पुरुष स्त्री अनुपात 1000 अनुपात 943। सबसे कम लिंग अनुपात जो है हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया, जहां 875, और सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में है 1084। अगला क्वेश्चन है, क्या है भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, यूपी का या महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का या तमिलनाडु का। तो भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है तो किसका है आपके लिए बताना है, तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए भारत जो है मन नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान जो है महाराष्ट्र राज्य का इसमें है। अगला क्वेश्चन है, क्या है 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, तो किस जो है आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चार विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है, तो भारत में बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 4, 7, 5, 6। राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है 6 यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है, वर्ग एक में और में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली, वर्ग दो में यहाँ पर 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाली, वर्ग तीन में कितने हैं 20,000 से 49,999 वर्ग वाले, और वर्ग चार में 10,000 से 19,999 वाले, और वर्ग पांच में 5,000 से 9,999 वाले, और वर्ग छह में 5,000 से कम जनसंख्या वाले शामिल हैं। अधिक जनसंख्या वाली नगरीय बस्ती को सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर, चार विकल्प भी दिए गए हैं, गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो आगरा जो है किस नदी के किनारे है, आगरा, तो आगरा है कहां पर, किस नदी के किनारे, यमुना, यमुना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या है इसका सही आंसर कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार पाया जाता है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 29.3% आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, आदम का पुल क्वेश्चन नंबर 16 है अपने यहाँ पर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर है आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है, तो यह स्थित है भारत और श्रीलंका। जी हाँ, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार के द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, क्या है, देखिए भारतीय क्षेत्र
में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में बताना है दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन कौन से हैं आपके लिए बताना। क्वेश्चन नंबर 17 है, चार विकल्प भी दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, बेरन एवं नारकोंडम आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। यह तो जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं यह भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है, असत्य बताना है कौन सा कथन असत्य है। चार विकल्प भी दिए गए हैं, तो बताइए, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, या भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, या भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, या अगला विकल्प इस प्रकार है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि सी में है आपका यहाँ पर कि भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, यह जो कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो बताइए किस राज्य में अवस्थित है। यह आपके लिए पता चल गया कि सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, तो अब यह किस राज्य में है और बता दें आप, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, या जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर 19 है, और 19 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है, और जम्मू और श्रीनगर शहरों के बीच 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है जिसमें यह सुरंग बनी है। रामबन से मात्र 18 किलोमीटर आगे जवाहर सुरंग है। और अगला क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य बताना है, कौन कौन से हैं भारत के तीन बड़े राज्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं यह बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 और आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक क्या है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यह राइट आंसर आपका होगा। और देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो आपके लिए पता चल गया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, लेकिन किसके कारण यह कहलाता है यह आपके लिए बताना है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके यहाँ पर, और इसका सही आंसर विकल्प नंबर एक, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। जी हाँ, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। हिमालय श्रेणियां और हिंदू कुश से मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों की उत्तर से आने वाली जो ठंडी बटा कटा बैठक पवनों से रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कर्करेखा के उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, नहीं लगती है। तो कौन सा वह क्षेत्र है बताइए, असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। चार विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो नहीं लगती है, तो किसकी, मणिपुर। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम, और दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा, म्यांमार, और पश्चिम में भूटान, और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ईटानगर राज्य की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला क्वेश्चन कि काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। काली और तिस्ता जो नदियां हैं के बीच हिमालय का कौन सा भाग प्रादेशिक विभाग जो है स्थित है, तो पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, या कुमायू हिमालय। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि नेपाल हिमालय। जी हाँ, नेपाल हिमालय आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेपाल हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के चार क्षैतिज विभाजनों में से एक है।
अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका राइट आंसर, चार विकल्प है, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या केरल या महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है यहाँ पर कि कार्डेमम जो पहाड़ी है कहाँ पर, केरल। केरल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियां, सतपड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, विंध्य पर्वत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका राइट आंसर बताना है। चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसके मध्य जो स्थित है वह है सतपड़ा पहाड़ियां, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। सतपुड़ा भारत के मध्य भारत में स्थित एक पर्वतमाला है। जो सतपुड़ा है यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या है देखिए कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो वह कौन सा पर्वतीय दर्रा है, तो दर्रा आपके लिए बताना है कौन से दर्रे हैं भाई जिससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या है, माना। जी हाँ, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। माना दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय के एक प्रमुख दर्रा है, और यह जो है NH 58 का अंतिम छोर है। इसे मानाला या चिरबतिया या चिरबतियाला या अथवा डुंगरूला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है अपना यहाँ पर, क्या है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है, यह आप बता दें। तो बताइए जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो बताइए कितनी है इसकी लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि 2900, जी हाँ 2900 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में संगपो, अरुणाचल में डेहम तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती, गोदावरी, नर्मदा, तवा या सोन, चार विकल्प हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन सी नदी है आपके लिए यह बताना है। तो बताइए कौन सी नदी है जो अमरकंठक के पठार से नहीं निकलती है, गोदावरी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक। जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसको, गोदावरी नदी को। इसकी उत्पत्ति जो हुई है पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, क्वेश्चन नंबर 29 है, चार विकल्प दिए गए हैं, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। जो विश्व का बृहत्तम जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है ब्रह्मपुत्र नदी। और आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, और आप यहां पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहां पर बहुत सारे फायदे हैं। तो हम बता दें, देखिए यहां पर आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यहां पर एक जो वर्चस्व नामक समसामयिकी आपके लिए फ्री मिलती है, इससे आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर जो है कोर्स चल रहे हैं, अभी बैच कोर्स चल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, MPPSC, MPPSC मेंस जो है बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं
कोर्स चल रहे हैं, बैच कोर्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस रहती है, एक महीने की आपकी यहाँ पर जो फीस है वह 1600 रुपए है। अगर आप समित जैन कोड यूज करते हैं तो यही फीस आपके लिए एक महीने की 1440 रुपए लगती है। 3 महीने का है यहाँ पर 4000 रुपये, और 6 महीने का है 7200 रुपये, और 12 महीने का है 8800 रुपये, और आपका 24 महीना का है यहाँ पर 12800 रुपये। और अगर आप समित जैन कोड यूज करेंगे तो यही आपके लिए 10% ऑफ में मिलेगा। तो सभी जो भी कोर्स आप खरीदेंगे, चाहे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, तो आपके यहाँ पर 10% ऑफ में यह कोर्स मिलेगा अगर आप समित जैन कोड यूज करती हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाती है। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।